हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर एक सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका कोई ना कोई कोर्स स्ट्रक्चर होता है और चैप्टर वाइज वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को मैथ्स का कोर्स स्ट्रक्चर और चैप्टर वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल एग्ज़ाम बता रही हूँ एज पर द CBSE सर्कुलर। और ये सब CBSE सर्कुलर के हिसाब से है। देयर विल बी 3 पीरियोडिक टेस्ट। पूरे साल भर में हमारे 3 पीरियोडिक टेस्ट हुए थे। पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, सिलेबस फ्रॉम अप्रैल टिल 31 जुलाई। पीरियोडिक टेस्ट 1 के अंदर अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का सिलेबस अगस्त में कवर हुआ था। पीरियोडिक टेस्ट 2 विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर, सिलेबस फ्रॉम अप्रैल टिल 30 सेप्टेम्बर। पीरियोडिक टेस्ट अक्टूबर में हुआ था, जिसके अंदर अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का सिलेबस कवर हुआ था। पीरियोडिक टेस्ट 3 विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, सिलेबस फ्रॉम अप्रैल टिल 31 दिसंबर। पीरियोडिक टेस्ट 3 जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था, जिसके अंदर अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का सिलेबस कंप्लीट हुआ था। Out of these 3 periodic tests, best 2 will be taken and will converted to 10 weightage. इनमें से हमारे जो दो best periodic test थे, जिनके अंदर हमारे बहुत अच्छे marks आए थे, वो 2 periodic test लिए जाएंगे और उनको 10 weightage के अंदर convert कर दिया जाएगा। Notebook submission will carry 5 weightage. हमारे जो notebook का जो submission है वो 5 weightage का है। Subject enrichment will carry 5 weightage. सब्जेक्ट इनरीचमेंट, सब्जेक्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल्स, डिबेट, एक्टिविटीज आती हैं वो 5 weightage का है। एनुअल एग्जाम विल बी इन मार्च, सिलेबस फ्रॉम अप्रैल टिल फरवरी एंड। अब जो हमारा मार्च के अंदर एनुअल एग्जाम हो रहा है, फाइनल एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर अप्रैल से लेके फरवरी के एंड तक का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, कवर किया जाएगा। मार्क्स एंड ग्रेड्स बोथ विल बी अवार्डेड फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे और अलग अलग ग्रेड्स भी दिए जाएंगे। पासिंग सेपरेटली इन एनुअल एग्जाम इज मस्ट। फाइनल एग्जाम के अंदर अलग से पास होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर वाइज वेटेज फॉर एनुअल एग्जाम मैथ्स। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है और चैप्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर आता है रियल नंबर, जिसके अंदर से 6 मार्क्स आएंगे। अलजेब्रा, जिसके अंदर आता है पॉलीनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमैटिक प्रोग्रेशंस, और उसके अंदर 20 मार्क्स आएंगे। जियोमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर से 15 मार्क्स आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इसके अंदर से 12 मार्क्स आएंगे। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर से 11 मार्क्स आएंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसके अंदर से 6 मार्क्स आएंगे। मेंसुरेशन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके अंदर से 10 मार्क्स आएंगे। तो ये सारे टोटल मार्क्स मिला के बन जाते हैं 80। तो 80 मार्क्स का होगा हमारा फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम।